हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम हियर अगेन ऑन माय चैनल जानकारी हित। माइसेल्फ हित अभिलाषी शर्मा एक बार फिर तोड़े नाल गल करांगे। इकोनॉमिक्स ऑफ बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक अबाउट द फंक्शंस ऑफ मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। लेट्स मूव अहेड विद मी टू डिस्कस टुडेज टॉपिक। यस स्टूडेंट्स, अभी सारे जानते हैं मॉडर्न एज इज द एज ऑफ मनी। पैसों तो बिना कोई काम चल रही नहीं हैगा। आज जिस एज दे विच असी रह रहे हैं उत्थे हर इकोनॉमिक जड़ी एक्टिविटीज़ है उदा काम पैसे नाल जुड़े हुए, मनी नाल जुड़े हुए। मनी जड़ी है साड़ी ह्यूमन बींग्स की लाइफ लाइन का एक इमपार्शियल पार्ट बन चुकी है। महत्वपूर्ण काम ने जड़े असी मुद्रा दे द्वारा करते हैं। मुद्रा दे किते जाने वाले कामों के महत्व नूं देखते हुए उन्हां नूं तीन हिस्सों च वंडिया गया है। प्राइमरी फंक्शनस, सेकेंड है सेकेंडरी फंक्शनस एंड द अदर फंक्शनस। आपां एक एक बारी डिटेल च गल करते हैं। सब तो पहला गल करते हैं प्राइमरी फंक्शन। किसी भी कॉन्सैप्ट का प्राइमरी फंक्शन का मतलब यह होंगे कि उस कॉन्सैप्ट की जिहड़ी खोज की गई वो कॉन्सैप्ट एग्जिस्टेंस आया जिन्हां कम्मां दे लई उन्हां नूं उस कॉन्सैप्ट का प्राइमरी फंक्शन कहिंदे ने। सेम मुद्रा की खोज जिन्हां कम्मां लई की गई वो मुद्रा दे प्राइमरी फंक्शंस ने, जिन्हां नूं असीं ओरिजिनल फंक्शंस और एसेंशियल फंक्शंस का नाम भी दे सकते हैं। हुण मुद्रा दे जिहड़े ओरिजिनल फंक्शंस ने जिन्हां नूं प्राइमरी फंक्शन कह रहे हैं वो कड़े-कड़े ने, जिहदे विचों सब तो पहला है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, वटांदरे का साधन। सानूं पता है ह्यूमन बींग्स दे जिहड़ियां वांट्स ने अनलिमिटेड ने, उन्हां नूं पूरा करन दे लई इंसान वस्तुआं ते सेवावां दा लेन देन लगातार करदा है। मुद्रा बार्टर सिस्टम दे विच आन वालियां जिहड़ियां लेन देन दे विच दिक्कतां सी, जिथे गुड्स दा या कमोडिटीज़ दा लेन देन कमोडिटीज़ नाल हुंदा सी, उहदे विच आन वालियां जिन्नियां कमियां सी, जिहड़ियां समस्यावां दा सामना करना पैंदा सी, उस नूं मुद्रा दूर कर दिंदी है। मुद्रा दे नाल बड़ा ईजी वे दे विच वस्तुआं दा लेन देन संभव हो सकदा है। कोई भी व्यक्ति कोई भी संस्था किसी वस्तु नूं खरीद सकती है, बेच सकती है, तो उहदे विच जिहड़ा मीडियम ऑफ एक्सचेंज है उहदा काम कौन करदी है, मुद्रा, जां जिसनूं असीं मनी कह रहे हैं। द सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी इज द मेजर ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ वैल्यू। मुद्रा का जो दूसरा महत्वपूर्ण काम है वह है मुल का मान या मुल की इकाई। हरेक वस्तु या सेवा का कोई ना कोई मुल होंदा, उन्हूं मापना किवें है, उन्हूं मापन का ढंग मुद्रा ने साढ़े सामने लिया के दिता। मुद्रा ने किसी वस्तु की वैल्यू नूं मेजर करन दा जिहड़ा काम सी उन्हूं बहुत आसान बनाता, जदों कि बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज दे विच ए बहुत मुश्किल सी, जिथे वस्तुआं दे नाल वस्तुआं दा लेन देन हुंदा सी, उत्थे किसी वस्तु की एक निश्चित मुल नूं निर्धारित करना बहुत मुश्किल का सामना करना पैंदा सी। इस तों इलावा इहनूं यूनिट ऑफ अकाउंट दे नाम नाल भी जाना जांदा है, जिस नाल किसी भी वस्तु का लेन देन जिहड़ा हुंदा है उहदा रिकॉर्ड मेनटेन करना, उहदे अकाउंटिंग सिस्टम नूं अडॉप्ट करना संभव हो सके। यस स्टूडेंट्स, ए सी प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी। तो हुण असीं गल कर रहे हैं सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी, जिसनों गौन काम कहिंदे ने। सेकेंडरी फंक्शन आर दोज फंक्शन विच आर द कॉम्प्लीमेंटरी टू प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन के नाल नाल ही हो जाते हैं, बट इन्हां दी इंपॉर्टेंस भी प्राइमरी फंक्शन की तरह कंपैरेटिवली थोड़ी घट है, पर यह भी बड़े महत्वपूर्ण ने। जिहदे विचों सब तो पहला है स्टैंडर्ड ऑफ डैफर्ड पेमेंट, स्थगित भुगतान का मान। ये की हुंदा है, पहला स्टैंडर्ड डैफर्ड पेमेंट्स की ने, की हुंदियां ने, वह भुगतान जिसका काम पहला हो जाए, वस्तुओं की ट्रांसफर पहला हो जाए या काम पहला हो जाए बट भुगतान बाद किया जाए। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, असी किसी वर्कर नूं अपने को लगाया, उस तो काम ले लिया, उन्हें पेमेंट असी 6 महीनों बाद करनी है। किसी व्यक्ति तो असी वस्तु खरीद ली पर उसका भुगतान जिहड़ा फाइनल नूं रिटर्न च देना है वह 3 महीनों बाद देना है, दैट इज़ कॉल्ड डैफर्ड पेमेंट। डैफर्ड पेमेंट नूं निश्चित किवें करना है, बार्डर सिस्टम दे विच बहुत बड़ी दिक्कत सी कि वस्तुओं के बदले वस्तुआं किन्नियां दित्तियां जाणगियां, उस टाइम वस्तु की हालत की होएगी, ये सारा कुछ अनसर्टन रहिंदा सी ते बड़ा रिस्की भी रहिंदा सी। बट विद द हैल्प ऑफ मनी स्टैंडर्ड ऑफ डैफर्ड पेमेंट बिकम्स वेरी ईजी, असी उन्हों ईजीली डिटरमिन कर सकते हैं। इस करके जदों भी डैफर्ड पेमेंट्स की पेमेंट असी करनी आन वाले समय के भुगतान करना है तो उन्होंने पहला निश्चित करना मनी की हैल्प नाल बड़ा आसान हो गया। यही कारण है कि आम तौर पर क्योंकि मनी की वैल्यू स्टेबल रहती है, बट जे चेंज होंदा तो डैटर्स के क्रेडिटर नुकसान तो होंगे ने, चाहे
मनी की वैल्यू वधे जा घटे, बट ज़्यादातर स्टेबल रहती है। तो पोजिशन कोशिश भी यही होंगी है ज़्यादातर देशों की कि ज़्यादा चेंजिज ना आन वैल्यू ऑफ मनी। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ए मनी दैट इट कैन डिटरमिन द स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, जो स्थगित भुगतान ने माप निश्चित कर सकते हैं। नैक्सट सेकेंडरी फंक्शन इज़ द स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब है मुल्लां का भंडारण। यस, किसी भी वस्तु के मुल नूं जां उहदी वैल्यू नूं स्टोर करना बार्टर सिस्टम के संभव नहीं सी, बट विद द हैल्प ऑफ मनी वी कैन स्टोर द वैल्यू। असी जिहड़ा मुल है उहनूं स्टोर कर सकते हैं, उहनूं बचा सकते हैं। मनी नूं असी अपने कोल करंसी नोट्स क्वाइंस इन्हां नूं संभाल सकते हैं, ये नियर मनी है तां जां बैंक मनी असी उहनूं बैंकां नूं संभाल सकते हैं। इस ढंग दे नाल धन का जिहड़ा भंडारण करना संभव हो सकता है विद द हैल्प ऑफ मनी। थर्ड वन इज द ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, मुल का हस्तांतरण एक जगह तो दूसरी जगह के उत्ते वैल्थ नूं जां एसेट्स नूं ट्रांसफर करना बार्डर सिस्टम के नाल बहुत मुश्किल सी, बट विद द हैल्प ऑफ मनी ट्रांसफर ऑफ एसेट्स एंड वैल्थ बिकम्स वेरी ईजी। जिन्नी भी साड़ी धन संपत्ति है उन्होंने एक जगह तो दूसरी जगह पर ट्रांसफर करना बड़ा आसान है मनी के नाल। मान लो तुसी अपने घर को ट्रांसफर करना है एक सिटी तो दूसरे सिटी जाके घर लेना है, तुसी अपने घर को सैल आउट करो, उन्हें वेच दो, मनी आ जाएगी, पैसे आ गए, उस पैसे को दूसरे शहर जाके खर्च करो तो अपनी मर्जी का घर ले लो। इस ढंग के नाल असी जा उस पैसे जे असी वैल्थ है साड़ी किसी भी टाइप की कोई संपत्ति है उन्होंने जेकर असी ट्रांसफर करना चाहते हैं तो मनी की हैल्प नाल ईजली ट्रांसफरेबल होंगी है। दीज आर द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी। इस तो बाद असी गल करते हैं ए थर्ड वन इज द अदर फंक्शन ऑफ कॉन्टीजेंट फंक्शन। कॉन्टीजेंट फंक्शन की होंगे ने अकस्मात अचानक होने वाले काम जिन्हों के लिए मुद्रा बनाई नहीं गई सी पर मुद्रा के नाल वो वाले काम भी हो जन, उस टाइप के कामों अचानक हो जन उन्होंने कामों असी अदर फंक्शन और कॉन्टीजेंट फंक्शन का नाम देने हैं। वो किड़े किड़े ने, सब तो पहला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नैशनल इनकम, राष्ट्रीय आमदन की वंड। राष्ट्रीय आमदन की वंड सानू पता है उत्पादन के साधना च की जाती है, लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, उन्होंने जो वेजिज इंट्रस्ट प्रॉफिट वगैरह जो वंडे जाते हैं उन्हों मनी की हैल्प के नाल डिस्ट्रीब्यूट करना बड़ा आसान हो जाता है। सानू पता है चार ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ने, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर। लैंड के जो मालिक है लैंडलोर्ड उन्हों बदले च रिटर्न दे विच रेंट मिलता है, कैपिटल का मालिक कैपिटलिस्ट है उन्हों अपनी कैपिटल नू यूज करन देन दे बदले च इंट्रस्ट मिलता है, वेजिज का मालिक वर्कर है उन्हों काम करन दे बदले दे विच वेजिज मिलदियां ने। इस तो इलावा थर्ड वन इज़ द प्रॉफिट, प्रॉफिट जिहड़ा एंटरप्रेन्योर दे स्किल का रिटर्न है, वो जो एंटरप्रेन्योरशिप जो उद्यमी करन दी कला है उहदे नाल उद्यमी जिन्हों एंटरप्रेन्योर कहते हैं वह रिटर्न मिलता है। नैशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन उत्पादन के इन्होंने साधना के मनी के नाल करना बड़ा आसान हो गया। विद द हैल्प ऑफ मनी वी कैन ईजली डिस्ट्रीब्यूट द नैशनल इनकम इन डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो असी बार्टर सिस्टम की गल करते हैं यह बहुत मुश्किल काम से। इस तो इलावा है टू प्रोवाइड मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन टू कंज्यूमर। जदों की मुद्रा एग्जिस्टेंस के आई है एक कंज्यूमर अर्थशास्त्र के हमेशा पढ़ते हैं कि वो वध तो वध संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है वक् वक् किस्म की वस्तुओं यूज करके। हुण जेकर किसी कंज्यूमर ने वध तो वध सैटिस्फैक्शन प्राप्त करनी है वो अपनी मर्जी दीआं वस्तुआं ते सेवावां नूं खरीद वेच सकता है, उस हिसाब नाल डिफरेंट टाइप दीआं वस्तुआं जदों जां सेवावां नूं प्राप्त करता है मुद्रा की हैल्प के नाल मैक्सीमम सैटिस्फैक्शन प्राप्त कर सकता है। दैट इज आलसो द फंक्शन ऑफ मनी। नैक्सट वन इज द बेसिस ऑफ क्रैडिट क्रिएशन और क्रैडिट। किसी भी अर्थव्यवस्था का अज के समय के भी जिहड़ा आधार है बेस है वह है क्रैडिट, साख उधार जिन्हों कहते हैं। क्रैडिट क्रिएट करना वध तो वध उधार की रचना करनी यह मनी के द्वारा ही संभव हो सकया, चाहे वह बैंक मनी है नियर मनी है या करंसी नोट्स ने जिन्हों पेपर मनी कहने हैं मेटैलिक मनी है, उसकी हैल्प के नाल क्रैडिट क्रिएशन ईजी हो गया क्योंकि मनी नूं एज ए स्टोर रखा जा सकता है, तुसीं उहनूं ट्रांसफर कर सकते हो, दूसरे व्यक्ति नूं दे सकते हो, उसके अकाउंट ट्रांसफर कर सकते हो। इस ढंग के नाल जिहड़ा असीं किसी नूं लोन फैसिलिटीज देनी आ क्रैडिट क्रिएशन करनी यह संभव हो सकता, दैट इज़ आलसो द इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी। इस तो अलावा एक बहुत इंपोर्टेंट कॉन्टीजेंट फंक्शन है, दैट इज़ द बीरर ऑफ ऑप्शन, निर्णय कारक बनना। निर्णय कारक का मतलब की होंगे निर्णय लेना, फैसला लेना,
ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਬੰਨਾ ਇੱਕ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਮਨੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਾਰਟਰ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੇ ਜੇਕਰ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਕਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਕਿੰਨੀ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਨਿਰਣੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੈਕਸਟ ਇਹਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ। ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਰਲਤਾ, ਨਗਦ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ। ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਭਾਵ ਕੈਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਓਨੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਮਨੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ 'ਚ ਆਈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਨੀਟਰੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਤਰਲਤਾ ਵੱਧ ਗਈ, ਲਿਕੁਇਡ ਮਤਲਬ ਕੈਸ਼ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਉੱਨਤੀ ਹੋਣੀ ਸੰਭਵ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਆਫ ਸੋਲਵੈਂਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੋਲਵੈਂਟ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਮਨੀ ਮੀਨਸ ਪੈਸਾ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਨਸੋਲਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀਆ ਕਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਦਿਵਾਲਾ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਯੈਸ, ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਘੱਟ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੁਦਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਇਨਸੋਲਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਗਰੰਟੀ ਆਫ ਸੋਲਵੈਂਸੀ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਆਫ ਪਾਵਰ, ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ। ਯੈਸ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਐਜ਼ ਅ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਆਫ ਪਾਵਰ ਵੀ ਮਨੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਮਨੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਨੀ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋਈ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟੂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਥਰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਚਾਨਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਮਨੀ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੈਸ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਔਰ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਮਨੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਮਨੀ ਮੀਨਸ ਦਾ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਆਫ ਮਨੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਇਨ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਔਰ ਇਕੋਨਮੀ ਐਟ ਅ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟਾਈਮ। ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਜੋ ਮਾਤਰਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਤਰਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਜਾਂ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿਹਾ ਐਟ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟਾਈਮ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਫਲੋ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਲੋ ਮੀਨਸ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਵਾਹਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਮੁਦਰਾ ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਮਨੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਇਜ਼ ਦਾ ਦੈਟ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਆਫ ਮਨੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਇਨ ਦਾ ਹੈਂਡਸ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਆਫ ਦਾ ਕੰਟਰੀ। ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਮੁਦਰਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਂ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਸੈਕਟਰ, ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੋਨੋਂ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ, ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਨੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਪ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਆਫ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਕੀ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ RBI ਨੇ M1 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਪੈਮਾਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਰਨਲਾਈਜ਼ਡ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਆਫ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਪੈਮਾਨੇ ਨੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈਮਾਨਾ, ਦੈਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ M1, ਇਸਨੂੰ M1 ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਸਟ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਹੈ। ਇੱਕ M1 ਮਤਲਬ ਫਸਟ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਦਾ ਢੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਫਸਟ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਦੇਖੋ, M1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ C+DD+OD।
एक ही चीज है। सीधा मतलब है करंसी इन द हैंड्स ऑफ पीपल और पब्लिक ऑफ अ कंट्री, किसी देश के लोगों के हाथ के जो पैसा है। लोगों का मतलब तुम्हें मैं पहला दस चुके हैं, हाउस होल्ड सैक्टर से प्रोड्यूसर सैक्टर। उस तो बाद डी डी का मतलब है डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स की होंगे ने, लोगों द्वारा बैंकों जमा करवाया वह पैसा जिसनों कैश की तरह जदों चाहन कढ़वा सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति का बैंक च पैसा जमा, चैक लिखा पैसा कढ़वा लिया, दैट इज डिमांड डिपॉजिट। योजा डिपॉजिट जो मंग करिए पैसा हाथ आ जाए। एम वन का जो तीसरा हिस्सा है दैट इज ओ डी अदर डिपॉजिट। अदर डिपॉजिट्स की ने किसी देश के दे किसी अर्थव्यवस्था के जड़ी होर दूसरिया फाइनैशियल यूनिट्स ने उन्होंने द्वारा बैंकों तो इलावा होर फाइनैशियल यूनिट्स ने उन्होंने द्वारा देश के दे सेंट्रल बैंक जिमें साढ़े देश का सेंट्रल बैंक आर बी आई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उस को जो डिपॉजिट करवाया हुआ है उन्होंने असं ओ डी का नाम दे रहे हैं। तो जो फस्ट मेजरमेंट का साढ़े को स्केल है जिसनों मैं एम वन का नाम दे रहा वो की बन गया सी प्लस डी डी प्लस ओ डी। ओके, इस तो बाद दूसरे पैमाने की गल करते हैं जिसनों असं एम टू का नाम दे रहे हैं, ये थोड़ा इनलास्ड है। एम टू के कॉन्सैप्ट देखो ये एम वन नालों इनलास्ड है, फस्ट पैमाने नालों। एम वन प्लस एस डी पी, एम वन दे दोनों तीनों चीज़ा शामिल ने जिस सी प्लस मैं पहला दस चुके सी प्लस डी डी प्लस ओ डी, वो तो तीनों है नाल। एस डी पी की है सेविंग डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिसिज, लोगों का जोड़ा सेव कर करके पैसा पोस्ट ऑफिसिज के जमा कराया हुआ है, वो भी असी मनी की सप्लाई का हिस्सा मानते हैं किसी अर्थव्यवस्था के। स्टूडेंट जो तीसरा स्केल है साढ़े को मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई का वह है एम थ्री, असी उन्होंने सिंबल दिते एम थ्री का। ये एम टू नो डिफरेंट है। एम थ्री के विच की है एम वन तो है ही गया, एम वन च तीनों चीज़ा केड़ियां केड़ियां सी प्लस डी डी प्लस ओ डी, तो उस दे नाल ही ये शामिल किया जाता है एन टी डी नैट डिपॉजिट नैट टाइम डिपॉजिट्स इन द बैंक्स, जो लोगों ने टाइमली डिपॉजिट्स कराए हुए हैं बैंकों के जिन्होंने असी फिक्स डिपॉजिट्स का नाम दें वो भी यदा पार्ट होंगे ने, ध्यान रखियो। उस तो बाद फोर्थ जो सब तो ब्रॉडर कॉन्सैप्ट है मनी की सप्लाई नू मापन का, उसनू असी सिंबल देता है एम फोर का। एम फोर के कॉन्सैप्ट दे विच ध्यान नाल देखो की लिखा हुआ है एम थ्री प्लस टी डी पी। एम थ्री च की है वो असी उपर देख चुके हैं कि एम वन प्लस एन टी डी नैट टाइमली डिपॉजिट्स इन द बैंक, यदा मतलब वह तो सारा कुछ एम फोर के है, तो नाल टी डी पी है टोटल डिपॉजिट इन द पोस्ट ऑफिस बैंक्स, जोड़े डाकघर के बैंक्स ने उन्होंने जिन्ना डिपॉजिट कराया हुआ वह भी सारा हिस्सा है। सो जो एम फोर तो एम थ्री है ये ब्रॉडर कॉन्सैप्ट है मनी की सप्लाई को मैजर कर, जोड़ा एम वन तो एम टू ने यह थोड़े नैरो कॉन्सैप्ट ने, इस मनी की सप्लाई थोड़ी ज़्यादा नहीं दिख रही बट ज़्यादा लिक्विड है, ज़्यादा तरल तो एम वन तो एम टू के है जोड़ी बड़ी जल्दी कैश कन्वर्टेबल है या कैश है, जो कि एम थ्री तो एम फोर के क्योंकि फिक्सड डिपॉजिट्स ने लंबे समय वाले डिपॉजिट शामिल ने, उन्हों की कन्वर्टिबिलिटी थोड़ा जहा देर तो हो सकती है बट दे आर आलसो नॉन एज लिक्विड आलमोस्ट नीयर टू लिक्विड। इस करके जो थ्री तो फोर है ये घट लिक्विडिटी के वाले, जो कि एम वन तो एम टू ये लिक्विडिटी का कॉन्सैप्ट ज़्यादा पाया जाता है, तो ये थोड़े नैरो कॉन्सैप्ट ने क्योंकि अमाउंट घट आ रहा है इस कैश की मनी की सप्लाई का, जो कि एम थ्री तो एम फोर के जी मनी सप्लाई का थोड़ा ब्रॉडर सेंस के एक्सप्लेन किया गया है। आई थिंक द कॉन्सैप्ट ऑफ सप्लाई ऑफ मनी इज क्लीयर। यस स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक न रिलेटड एक बड़ा इंट्रस्टिंग टॉपिक मैं एंड शेयर कर जा रहा हूँ, सप्लाई ऑफ मनी इन इंडिया, साढ़े देश के मुद्रा की सप्लाई कौन करता है? जनरल जवाब है आर बी आई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यस, बाकी किसी भी देश की तरह साढ़े देश के भी जो मनी की सप्लाई है उसनों करन दा काम साढ़े देश का सेंट्रल बैंक जिन्हों आर बी आई कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उस द्वारा किया जाता है। पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इसके बारे कि एक रुपए के नोट नूं छड़ के आर बी आई हर टाइप के सिक्के ते करंसी नोट की सप्लाई करता है साढ़े देश। आर बी आई कमर्शियल बैंक्स नूं दिंदा है, कमर्शियल बैंक मार्केट सर्कुलेट करते हैं, इस ढंग के नाल मनी की सप्लाई होंगी है। हुण सवाल पैदा होंगे एक रुपए का नोट कौन छापता है? फिर
ਜਿਹੜਾ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਫਾਈਨਾਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ SPMCIL ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। SPMCIL ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? S ਤੋਂ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, P ਤੋਂ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ, M ਤੋਂ ਹੈ ਮਿੰਟਿੰਗ, C ਤੋਂ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, I ਤੋਂ ਹੈ ਇੰਡੀਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਐਂਡ ਮਿੰਟਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਛਪਦੇ ਨੇ, 4 ਟਕਸਾਲ ਨੇ ਤੇ 1 ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਪਰ ਮਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ SPMCIL ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਜਾ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਲਿਖੋ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੇਰੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਤੇ ਕਮਰਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਮਨੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਦੂਸਰਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟਸ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਉਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ। ਟਿਲ ਦੈਨ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।